हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? तो आप इस क्यूट सी प्यारी सी बेबी को देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही क्यूट है और लड्डू जैसी लग रही है, एकदम मीठी सी। तो इसका हेयर कट दिखाने वाली हूँ आपको, और काफ़ी ज़्यादा लाइट हेयर है। बीच का जो क्राउन एरिया होता है वहाँ पर बहुत ही कम हेयर है, बैक साइड में थोड़ा ठीक है, बट सामने फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा लाइट है। तो ऐसे बच्चे अगर आपके पास में इस तरीके से आते हैं हेयर कट के लिए, तो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बालों को अच्छे से गीला कर लेना है, कोम्ब कर लेना है, कोम्ब करके बालों को नीचे की तरफ अच्छे से लेके आना है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें, साथ एक छोटी सी बेल आइकन होती है उसको क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही आप उसको हिट करेंगे, बेल आइकन हिट करने से सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि जो भी वीडियो मैं डालूंगी वो उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे आपको मिलेगी और वीडियो आप बिल्कुल समय पे देख पाएंगे। और अगर मेरे बताने और समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताया करें कि आप सबको कैसा लगता है। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मुझे, और एक नई एनर्जी के साथ में मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरीके से आपको सारे बालों को सामने की तरफ कोम कर लेना है, फ्रंट का इस तरीके से, और बस इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए जिस तरीके से अभी तक आप लोग देते आए हैं। थैंक यू सो मच आप सबको। और इस तरीके से फ्रंट का कट कर लेंगे और आईज़ को बंद करने बोल देंगे बच्चे को, कि ताकि उसके आँखों में बाल बिल्कुल भी ना जाने पाए। और उसके बाद साइड पार्टिंग कर लेंगे। देखिए कितना मासूम सी है और बिल्कुल कैमरे की तरफ ही देख रही है, और इसको बहुत खुशी हो रही थी। ये आते ही बोलती है मेरा वीडियो बनाओ ना, मुझे भी वीडियो बनवाना है, और बहुत ही खुश होकर बैठी है अपना हेयर कट कराने के लिए। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कट करते हुए जाएंगे ताकि एक अच्छा सा शेप आ जाए। और कान के पास में हो सके तो आप इस तरीके से पकड़ के ही कट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत डर होता है वहाँ पे कट करने के लिए। तो आप अपने फिंगर्स में ग्रिप बना के इस तरीके से कट करें, या फिर पहले कान को दबा के अच्छे से पकड़ लें, उसके बाद आप हेयर कट करें। तो काफ़ी इजी है, लेकिन बच्चों के साथ में काम करना थोड़ा सा बहुत ही सावधानी से करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा सिर हिलाते रहते हैं। और पीछे की तरफ आप जब भी बच्चों का हेयर कट करें, एक हाथ से बच्चे के सिर को आपको सपोर्ट करना है और एक हाथ से आपको कटिंग करनी है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो बच्चे फटाक से सिर को उठा देते हैं, जैसे आप देखते हैं कि मैं जहाँ से कट करती हूँ उस कटिंग करने के बाद बच्चा फटाक से सिर को ऊपर कर लेते हैं। तो आप जो है एक हाथ से हमेशा बच्चे के सिर को सपोर्ट करके रखें, ताकि वो बिल्कुल उसका जो डायरेक्शन है बिल्कुल सही रहे इस टाइप से। और अगर आप सोचते हैं सपोर्ट नहीं करें और सिर्फ कटिंग करें, तो वो पॉसिबल नहीं है, बच्चों के साथ में आप इस तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं कान के पास में आती हूँ हेयर कट के लिए, और आप देख सकते हैं बीच में बहुत ज़्यादा लाइट हेयर है, और इस तरीके से सिर को पकड़ लूँगी मैं और कट कर दूँगी। बहुत ही आराम से प्यार से कट करना है। और वैसे मेरे पास में कभी भी अगर बच्चे हेयर कट के लिए आते हैं तो कभी रोते नहीं हैं, सिर्फ एक ही बार एक छोटी सी बेबी आई थी तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बैठने से भी डरते हैं, पहले तो खुश होकर बैठ जाते हैं लेकिन जैसे ही वो सीजर देखते हैं तो उनको पता नहीं क्या डर हो जाता है कि नहीं मुझे नहीं कटाना है ऐसा। और सामने से जो है थोड़ा सा स्टेप्स दे दूँगी मैं इस तरीके से, बालों को उठा के हल्का हल्का सा कट कर दूँगी इस टाइप से, ताकि जब भी वो फ्रंट पे फेस में थोड़ा सा आएगा फॉरहेड पे तो वो बहुत ही प्यारा लुक देगा। इस तरीके से करना है। तो ये हो चुका है, आप देख सकते हैं कितनी क्यूट सी है, आप देखिए ना कितनी मासूम सी लग रही है, बहुत खुश होके आई है कि मुझे हेयर कट करवाना है, और खुद से बोलती है मेरा वीडियो बनाओ ना, ऐसा बोल रही है। बहुत बहुत प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। तो और जहाँ से भी आपको थोड़ा भी ऊपर नीचे लगे आप अच्छे से चेक कर लेंगे और उसको कट कर देंगे। ये देखिए कान के पास में जितना एक्स्ट्रा लग रहा है उसको मैं कट कर दूँगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीके से हेयर कट करके दे सकते हैं, बच्चा कितना भी छोटा हो या बड़ा हो आप अच्छे से कर सकते हैं।
ये देखिए, अब सारे बालों को चेक कर लेंगे अच्छे से एक बार। और मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं तो आप लोग उनको ज़रूर देखें, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और ये है इसका फाइनल लुक, आप देख सकते हैं क्यूट सी बेबी को। मिलती हूँ आप सबको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।